पुलवामा के बहाने रामगोपाल यादव का सरकार पर तीखा हमला, कहा वोट के लिए जवान मार दिए। रामगोपाल यादव ने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स सरकार से दुखी है, वोट के लिए जवान मार दिए गए। जम्मू से श्रीनगर के बीच चेकिंग नहीं की गई, जवानों को सादी बस में भेजा गया, ये साजिश थी। इससे आगे उन्होंने कहा कि इस साजिश के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब सरकार बदलेगी इस मामले की जांच होगी और बड़े से बड़े लोग फंसेंगे। चुनावी माहौल के बीच पुलवामा के हमले को मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले को साजिश बताते हुए मौजूदा सरकार को घेरा है और कहा है कि वोट के लिए जवानों को मार दिया गया। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जब सरकार बदलेगी तो इस मामले की जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को जम्मू श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ जवानों का 70 से ज्यादा गाड़ियों पर काफिला जा रहा था। इसी दौरान विस्फोट से भरी एक कार टक्कर मारी गई, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। क्या सरकार को देश के सैनिकों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? और जब एक गाय जाती है तो उसके अंदर सबको पता होता है कि इसके अंदर गाय जा रही है और उसकी चेकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और भगवाधारी लोग पहुंच जाते हैं। क्यों नहीं आरडीएक्स की जांच हो पाई और इतना बड़ा आरडीएक्स कहां से आ पाया? इसी दौरान विस्फोट से भरी कार ने टक्कर मारी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जवानों के खून की राजनीति करने का आरोप लगाया था, जबकि कुछ नेताओं ने बड़े अधिकारियों के नाम भी सवाल उठाए थे। अब समाजवादी पार्टी ने भी साफ साफ शब्दों में पुलवामा हमले की साजिश बताते हुए इसकी जांच करने की बात कही है। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों पे नजरें बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।